ये ब्लाइंड्स ऊपर आए। वाओ भाई, वैसे तो ये BMW 7 सीरीज है, लेकिन अगर आप इसे रोल्स रॉयस सोचते तो भी गलत नहीं होता। दिस इज दी ओनली BMW 740i जो कि पूरे इंडिया में एक ही एक है प्री ओन्ड मार्केट में। इट इज एन एब्सोल्यूट लुकर, सिर्फ विश्वील्स इंडिया के पास है। और अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं कोई रोल्स रॉयस छोड़ के भी ये लेता। वील फाइंड आउट, रेडी? पैसा तेरा बाप देगा। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो फ्रंट फेसिया बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, इन पर्सन देखते हो तो पागल हो जाते हो। कहते हैं कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, इन द स्वारोव्स्की क्रिस्टल्स, इन द लाइट्स ऑफ दिस कार्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। वुड यू लुक एट दैट, स्वारोव्स्की क्रिस्टल्स यहाँ तो है DRLs में, यहाँ पर BMW LED का स्पेशल सिस्टम, साथ ही साथ आपको कुछ सेंसर्स दिखेंगे। सेंसर्स जो है, इन सेंसर्स के साथ ऑटो पार्किंग में हेल्प करते हैं। सेंटर पे सेंसर्स दिख रहे हैं, वो ADAS जैसे फंक्शंस देते हैं, लेन कीपिंग असिस्ट एक्सेट्रा। ये जो ग्रिल है कोई ऑर्डिनरी ग्रिल नहीं है, ये ग्रिल एक आइकॉनिक ग्लो ग्रिल है। यानी कि अगर आप उसके पे हल्की सी लाइट देख पा रहे हैं जो रात को बहुत ज्यादा दिखती है, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्मैशिंग। 5.4 मीटर लॉन्ग ये गाड़ी है और 21 इंच की ये M स्पोर्ट टायर्स, दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। साइड में आते हो तो इसकी जो साइड प्रोफाइल है बहुत ही क्लीन है, इंक्लूडिंग दीज डोर्स जिनके यहाँ पर हैंडल्स हैं जो कि बहुत ही क्लीनली फिटेड लगते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि जो बैक साइड है आपको हमारे और एक वीडियो में दिखेगा। BMW X6 का जब हमने वीडियो किया था तो जो क्लीन ट्रायंगुलर लाइट्स होती हैं आपको उसमें भी दिखे होंगे, ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी बेहतर है। यहाँ पे फॉल्स डिफ्यूज़र है और एक अलग बटन है जो इस बूट को खोलता है। स्पेयर टायर दिख रहा है, लेकिन ये बूट काफ़ी बड़ा है, उसके बाद भी काफ़ी जगह छोड़ देता है। हमने इसमें फिलहाल एक छतरी छोड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि हम इस गाड़ी के पीछे इतने पागल हैं कि इस बारिश में भी मुंबई की हम इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं। ये हॉफमास्टर किंग के अराउंड भी जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्रिस्टल जो है इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत दिखना शुरू हो जाएगा जितना बाहर है। लेकिन समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार, यूजुअली ऐसी गाड़ी में आपने देखा होगा एक की होती है जिससे आप गाड़ी को आगे या पीछे कर सकते हैं, जैसे समन मोड भी कुछ लोग कहते हैं। इस गाड़ी में इट टेक्स इट अ स्टेप फर्दर। अगर आप BMW का ऐप खोलते हैं अपने फ़ोन पे तो आप गाड़ी पे वो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में से अंदर या बाहर कर सकते हैं। अगर आपको एक टाइट स्पेस में है जहाँ पर आपको लगता है कि पार्किंग करने के बाद आप उतर नहीं पाएंगे, लाइक इन अ मॉल और अ कार पार्क विच इज़ वेरी बिजी, तो आपको क्या करना है, आपको इस गाड़ी के नीचे उतरना है, अपने ऐप से इस गाड़ी को पार्क करना है और फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। और जब आप गाड़ी में घुसना चाहते हैं तो उसी तरीके से गाड़ी को बाहर भी निकाल सकते हैं। Now that is some अलग लेवल killer टेक्नोलॉजी। गाड़ी के अंदर चलते हैं यार, मेरी सीट तो इसने बैठनी मसाज करनी शुरू कर दी। दीज अमेजिंग सीट्स से पहले नजर हटाते हैं, द क्रिस्टल थीम दैट आई वाज टेलिंग यू यहां पर आपको दिखाई दे रही है, वेरी क्लीनली डन। इवन ऑन द डोर्स यू कैन सी देम कि वो कैसे क्रिस्टल लाइट्स इतनी अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है। इनके बीच में होता है एक इंटरैक्शन बार। इंटरैक्शन बार क्या है, आपको जो अलग अलग चीज़ें हैं कंट्रोल करनी है गाड़ी की, वो एक बार बन के यहाँ पे आ जाती हैं। अब है ना, एक मैकबुक आता था पहले प्रो, जिसमें भी एक ऐसा एक बार होता था टच स्क्रीन वाला, तो इसमें कोई फिजिकल बटन्स है ही नहीं। और ये जो लाइट्स हैं ये इतने इंट्यूटिव, इतने अट्रैक्टिव है। व्हेन आई चेंज द मोड ऑफ द लाइट्स, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम गोइंग इनटू रिलैक्स, इस गाड़ी ने अपने सन ब्लाइंड्स ऊपर कर दिए हैं और देखिए इसको थोड़ा वाइटिश कलर का कर दिया है। आई एम कॉलिंग इट वाइटिश, प्रॉब्ली इट हैज अ रिचर नेम। और यहाँ पर अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में डाल दूँ तो ये पूरा लाल भड़क हो जाता है बिल्कुल। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब आई नेवर थॉट कि एक मर्सिडीज एस क्लास से बेहतर कोई गाड़ी होगी। दिस वन इज रियली पुशिंग द बाउंड्रीज। मर्सिडीज, यू गॉट टू गेट योर गेम अप। अरे लुक एट दीज, ये स्वारोव्स्की क्रिस्टल का जो फिनिश है आई ड्राइव सिस्टम के लिए है, गियर नॉब में है, गाड़ी अपनी पूरी हाइट इस बटन से एडजस्ट करती है। ये 14.9 इंच का म्यूजिक एंटरटेनमेंट सिस्टम जो स्लाइटली कर्व टुवर्ड्स द ड्राइवर है। ये 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज कम्प्लीटली डिजिटल एंड सो कस्टमाइजेबल। ये एम स्पोर्ट स्टेयरिंग व्हील जिसके बीच में ना ऐसे स्पोर्टी गैप्स हैं, इसको तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना अच्छा है, क्योंकि आप शायद ये गाड़ी चलाओगे ही नहीं। ये हेड अप डिस्प्ले इज जस्ट क्रेजी। और मैं अभी भी तो गाड़ी का बेस्ट एरिया पीछे तो गया भी नहीं हूँ। वाओ, अब इन गाड़ियों में बॉस मोड बोलते, बॉस मोड तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो बड़ा मिडिल क्लास होता है। इट्स लाउंज सीटिंग।
तो इस गाड़ी में जब पीछे बैठते हो जहाँ अक्सर इसके ओनर्स बैठेंगे, फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज इसका एसी कितना साइलेंट है। आगे की सीट में ऐसे दिए हुए हैं कि वेंट्स दिखते भी नहीं है। इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ सटल दे हैव गॉन विद दिस कार। आई लव द ब्राउन इंटीरियर इन अ BMW, लाइक आई ऑलवेज टेल यू इन आवर वीडियोस। बट व्हेन यू सिट हियर इट्स क्वाइट एयरी, बट इफ यू वांट टू स्लीप देयर इज दैट बॉस मोड जो मैं आपको बोल रहा था ना, द लाउंज मोड सॉरी। तो आपके पास एक डोर हैंडल्स में 5.5 इंच की स्क्रीन है जो कि कई फोन से ही बड़ी होती है, और उस स्क्रीन पे जो है आप लाइट्स, ब्लाइंड, सीटिंग, एसी वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें मैं गया, मैंने एक बटन दबाया और आप देखेंगे आई एम गोइंग इन टू द लाउंज सीटिंग, द सो कॉल्ड बॉस मोड, जिसमें आगे की सीट कम्प्लीटली आगे प्रोक्लाइन हो जाती है, आगे चली जाती है, कम्प्लीटली बेंड हो जाती है। मेरी जो सीट है वो रिक्लाइन होती है, इसकी मसाजिंग इमीडिएटली शुरू हो जाती है कि सेट को जरा खुश करना है। नीचे से ऑटोमन सीट्स का पार्ट ऊपर आने लगता है, हाय 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 हाय। बट ओनली द बॉस मोड इज नॉट इनफ, बिकॉज जब आप यहाँ पे बैठे हैं देयर इज द बिगेस्ट पार्टी पीस ऑफ दिस कार। वापस इस एडजस्टमेंट स्क्रीन में जाएंगे, थिएटर मोड। जैसे ही आप थिएटर मोड को क्लिक करेंगे गाड़ी के ब्लाइंड्स ऊपर आने लगते हैं। ये 8K एनेबल्ड स्क्रीन नीचे आने लगती है। 8K में तो हम अपने वीडियोस भी अपलोड नहीं करते हैं यार। ये स्क्रीन जो है ये फायर स्टिक एनेबल्ड है, पूरा पूरा कंटेंट देख सकते हैं। इट्स बाय द वे टच एनेबल्ड। जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ वो मैं बाजू की स्क्रीन पर भी टाइप कर सकता हूँ और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब मैं यहाँ बैठ के दिल्ली गोवा तक निकल सकता हूँ, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। पैसा तेरा बाप देगा कि चैनल के सारे वीडियोस मैं एक बार में ही देख लूंगा। दिस इज सो क्रेजी। ओ बॉस, रोल्स रॉयस तक में ऐसा कंफर्ट नहीं होता है यार। 31 इंच का टीवी दे रहा है आपको BMW। पैसा तो लेगा लेकिन गाड़ी तो देगा। तो मैं ऑब्वियस तो स्टेट नहीं करूंगा कि इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं वगैरह वगैरह, तो मैं बोल ही चुका हूं कि इसका साउंड सिस्टम कितना अच्छा है। पर जब आप इसमें बैठते हैं वाकई कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल क्यों होते हैं, देखिए ये ढपक और ये ढपक हुआ, लेकिन वो ढपक और ढपक मुझे फील नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि इसमें एक सेल्फ एडजस्टिंग एयर सस्पेंशन होता है। एयर सस्पेंशन जो होता है वाकई में बहुत कुछ नहीं होता, और सेल्फ एडजस्टिंग जो होता है अगर कोई इंडुलेशन आते हैं तो उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं सस्पेंशन में जो अपने आप को एडजस्ट करके फिर भी आपकी राइड कम्फर्टेबल रखते हैं। वो ऐसे ऐसे वो समझ रहे हो, वो समझ रहे हो। देखा, मैं हिलूंगा लेकिन गाड़ी नहीं हिलेगी। मैक्सिमम ओनर्स यहाँ बैठेंगे तो गाड़ी के कंफर्ट को तो एंजॉय करेंगे, वाइल दे आर गेटिंग मसाज, वाइल दे आर कूल, वाइल दे आर कंप्लीटिंग द फोन कॉल्स, वाइल दे आर वॉचिंग दिस बिग 8K स्क्रीन, वाइल दे आर इन द बॉस मोड। लेकिन समथिंग यू डोंट रियलाइज अबाउट दिस कार इज इट स्टिल अ BMW, इट्स स्टिल अमेजिंग टू ड्राइव, इट्स स्टिल गॉट अ ग्रेट इंजन, अ ग्रेट स्टीयरिंग व्हील, जो आप तभी ही यूज़ करेंगे जब किसी दिन आपका ड्राइवर छुट्टी ले लेगा या आप अपनी फैमिली को कभी बाहर लेके जाएंगे। एंड इफ यू आर ऑन द स्टीयरिंग व्हील This car will not disappoint you. ये 0 to 100 5.4 सेकेंड्स में जाने वाली गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हो थोड़ा सा महसूस होता है, भाई भाई यार ऑलमोस्ट 5.5 मीटर की गाड़ी है तो महसूस तो होगा, लेकिन इसका जो इनलाइन 6 सिलेंडर वाला इंजन है वो बिल्कुल महसूस नहीं होता है क्योंकि मक्खन है, स्मूथ है, नॉइजलेस है, प्लस एज अ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम अटैच टू इट, तो आप सेंसिबली चलाओगे तो शायद थोड़ा अच्छा माइलेज भी दे देगा। इट्स जस्ट पावरफुल व्हेन यू वांट इट टू बी, बट सो सीरीन व्हेन यू डोंट वांट इट टू लाइक स्टार्ट शाउटिंग, व्हिच आई रियली लाइक। नाउ द स्टीयरिंग इज एक्चुअली वेरी शार्प, मतलब बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं होता है इन गाड़ियों में क्योंकि आपको हैवी नहीं लगनी चाहिए गाड़ी। वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू ड्राइव इट यू शुड ड्राइव इन कम्फर्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ द अडैप्टिव सस्पेंशन, द एयर सस्पेंशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द कार जस्ट ग्लाइड्स जैसे कि अलादीन का कोई कारपेट है और मैं उस पर ना A whole new world, वो है। गाड़ी में अलग अलग मोड्स हैं और इस 381 हॉर्स पावर के इंजन को 520 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलते हैं, लेकिन बीच में ही द माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम विल किक इन इफ यू वांट लिटिल मोर परफॉर्मेंस एंड टेक द टॉर्क अप टू 540 न्यूटन मीटर्स, एंड दैट यू जस्ट स्टार्ट टू फील व्हेन यू जस्ट पुश डाउन द कार। ओह माय गॉड, आई हैव टू स्टॉप, पीपल अराउंड मी आर गेटिंग स्केयर्ड। गाड़ी के 360 डिग्री कैमराज ही इतने शार्प हैं कि
इस पर शायद आप अपनी शादी के वीडियोस भी शूट कर लोगे, लेकिन आई एम गोना पुट इट टू स्पोर्ट बिकॉज थोड़ा सा मैं टेस्ट करूंगा जो 0 to 100 ये 5.4 सेकंड्स क्लेम करती है, क्या ये वैसे जाती है। इस गाड़ी में लॉन्च कंट्रोल आता भी नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी में जो कि एक लग्जरी सेडान है, क्यों आपको लॉन्च कंट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन ट्राई करते हैं। रेडी? Did you see my cameraman crashing? चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बस दिस कार इज, लोग कहते हैं ना एरोप्लेन एरोप्लेन, दिस इज बेटर देन एन एरोप्लेन। ये गाड़ी जो है बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड गाड़ी है। लोग कहेंगे कि GLS और यू नो Maybach S क्लास ये वो बहुत ही अच्छी है ना, आई टोटली अग्री विद दैट। एयरप्लेन्स की फर्स्ट क्लास की सीट्स भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। ये गाड़ी इतनी वेल किटेड है कि शायद स्पेसशिप में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे, शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट आई टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दिस कार। इस गाड़ी ने गेम को अप किया है, मर्सिडीज़ को अभी बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा इस गाड़ी को बीट करने को। तो अगर मैं आपको इसका सारांश दूँ तो वो ये है कि आप किसी भी इंडियन से पूछोगे कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नाम लेंगे, लेकिन कोई एक बीच में पागल होगा जो बोलेगा मुझे ना ब्रायन लारा बड़ा पसंद है यार। ये गाड़ियों का ब्रायन लारा है, क्योंकि जब आप इसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, ये ऐसी कोई चीज़ डिलीवर कर रहा है कि ये आपको अस्टॉनिश कर देता है। मैंने कई रोल्स रॉयस भी नहीं देखी है जो इतनी वेल किटेड या इतनी कंफर्टेबल होती हैं। सो आई थिंक दिस कार डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई वांट टू थैंक विश व्हील्स इंडिया फॉर गेटिंग इट सम हाउ। दिस इज दी ओनली वन अवेलेबल इन द सेकंड हैंड मार्केट। और ऐसी गाड़ियों का अगर आपको देखना है जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत स्पेशल मशीनरी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार तू तो वैल्यू फॉर मनी की बात करता है, जब ये रोल्स रॉयस के मज़े बहुत कम कॉस्ट में दे रही है रोल्स रॉयस से, तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले। वही झाग वही दाम, सुना होगा आपने। मेरा नाम है ऋषि कपूर, दिस इज पैसा तेरा बाप देगा। किसी का बाप इसके लिए पैसा लाओ, बड़ा मजा आने वाला है। ब्रांड ला रहा।